मैं हूँ शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 News। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सपा के विधायक इरफान सोलंकी वोट देने से उनको रोक दिया गया है। जी हाँ, वो वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अदालत ने उन्हें आने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट देने से रोक दिया है। अब सपा के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताना और भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। इससे पहले सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को भी अदालत में मतदान की अनुमति नहीं दी गई थी। जी हां, आपको बता दें कि वर्ष 2022 में जेल में बंद सपा के विधायक इरफान सोलंकी कई गंभीर आरोपों में महाराजगंज जेल में बंद है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी राज्यसभा में अपनी मजबूती के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं एक राज्यसभा प्रत्याशी की जीत के लिए 37 विधानसभा सदस्यों की जरूरत होती है। और वहीं तीसरे प्रत्याशी की जीत जब अब अधर में नजर आ रही है, क्योंकि कानपुर से जो सपा के विधायक है इरफान सोलंकी, उनके वकील के माध्यम से कानपुर में MP-MLA कोर्ट में वोट डालने को लेकर अर्जी उन्होंने दाखिल की थी, जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से सपा विधायक इरफान सोलंकी की राज्यसभा में वोट करने की अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया। ईडी की हिरासत में होने के बावजूद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए सोरेन को विधानसभा भेज दिया गया था, लेकिन कोर्ट में वकील ने दलील को दरकिनार कर दिया और सपा विधायक इरफान सोलंकी की अनुमति को खारिज कर दिया। वहीं अब राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के 3 प्रत्याशी जो कि हैं जया बच्चन, रामविलास सुमन और अलोक रंजन, उन लोगों को उतारा गया है। वहीं बीजेपी के भी 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं और 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशियों के चलते सभी 10 सीटों के लिए मतदान होंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 27 फरवरी को मतदान के बाद आंकड़ों में ऊंट किस करवट आखिर बैठता है। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।